हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के क्लास नंबर 6 करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली पीएम मोदी हॉल्ड स्टॉक विथ विच कंट्री प्रेसिडेंट, यानी कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ पीएम मोदी ने जो है डायलॉग किया है, टॉक्स की है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकर रखना है कि अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम आप लोग जान लीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए। रसिया के तो आपको पता ही है, व्लादिमीर पुतिन आपके पापा के समय भी थे, आपके समय भी हैं, आपके जब बच्चे हो जाएंगे तो भी ये रसिया के प्रेसिडेंट ही रहेंगे। चाइना सेम जिनपिंग है, ये शी जिनपिंग आगे भी यही रहने वाले हैं। और फ्रांस में जो हाल में है ना, ये फिर से रीइलेक्ट हुए हैं। जी हाँ, जनता के वोट के द्वारा ये रीइलेक्ट हुए हैं। यहाँ से आप इनकी इमेज देख लीजिए और यहाँ से आप देख पाओगे मैक्रों की तस्वीर, ये देख लीजिए पीएम मोदी के साथ, और ये फिर से एक बार फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आरबीआई हाइक्स रेपो रेट। देखिए रेपो रेट का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए थोड़ा। एक्चुअली रेपो रेट का मतलब होता है कि जो पैसे आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, बैंक जो है ना आरबीआई के पास जाता है और उनसे पैसा लेता है। तो बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है उसे बोला जाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट को कितना बढ़ाकर जो है 4.40% कर दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे 10 आधार अंक, 20 आधार अंक, एक्चुअली बेसिक पॉइंट बोलते हैं इसे, 30 या 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, इन्होंने 40 बेसिक पॉइंट को जो है बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। किसने कर दिया है याद रखिएगा, आरबीआई ने कर दिया है। आरबीआई के करंट गवर्नर जनरल कौन है, शशिकांत दास। इनकी आप फोटो भी यहाँ से देख सकते हो, शशिकांत दास की यहाँ से आपको इमेज भी दिखाई पड़ जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन अनाउंस न्यू सैंक्शन अगेंस्ट विच। देखिए किसके खिलाफ इन्होंने सैंक्शन लगाया है, यूक्रेन इशू को लेकर। आपको पता ही होगा यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रसिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर और ये 4-5 महीने से जंग चल रही है। तो सैंक्शन किस पे लगेगा, रसिया पे, क्योंकि रसिया ने इन्वेजन करी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ से आप देख सकते हो इन्होंने जो है रसिया पे जो रसियन ऑयल है इसको परचेस करने के लिए जो है बैन कर दिया कि रसियन ऑयल को कोई खरीदेगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है कि वो कौन सी सोशल मीडिया है जो कि नॉमिनल फीस चार्ज करने वाली है कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजर्स के लिए। तो देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में इनसाइड दे देता हूँ। इलोन मस्क का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, इलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स, टेस्ला वगैरह जैसी कंपनियाँ चलाते हैं जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और इलोन मस्क करेंटली वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक दिन ट्वीट करके बताया कि ये ट्विटर को ही खरीदने वाले हैं। किसको खरीदने वाले हैं, ट्विटर को। और अभी एक्चुअली ये डील जो है अधर में लटका हुआ है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप ट्विटर पे यूज़ करोगे ऑफिशियल, यानी कि अगर कोई इंडिया के ऑफिस वाले जो भी ट्विटर हैंडल है या फिर अमेरिका के, रसिया के, किसी भी कंट्री के ट्विटर हैंडल से ये क्या करेंगे, अगर वो वहाँ पे ट्वीट करेंगे तो इनसे पैसे चार्ज किए जाएंगे, मनी चार्ज किया जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया फेसबुक यूज़ कर रहे हो आपको पता होगा कि ये टोटली एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी वेबसाइट जो है फ्री है, आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ट्विटर पैसे लाने वाला था, एलोन मस्क ने ऐसा कहा था, अभी तक ये ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। और एक और मैं जी के बता दूँ, ट्विटर के जो करेंट CEO हैं अभी तक ये हटे नहीं हैं, अग्रवाल साहब हमारे भारत के हैं, पराश अग्रवाल उनका नाम है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये एलोन मस्क की फ़ोटो है और साथ में ट्विटर का लोगो भी आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये किस देश ने जो है प्रशिक्षण कर लिया है, अपने यहाँ प्रक्षेपण कर लिया है, लॉन्च कर दिया है, जापान ने, चाइना ने, उत्तर कोरिया ने या रसिया ने। तो देखिए यहाँ पे जापान तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये उटपटांग की हरकतें करता नहीं है, और जापान के जितने भी डिफेंस की जो बागडोर है ये सारे जो है अमेरिका के हाथ में है। अगर चाइना जो है जापान पे अटैक कर देता है या कोई और कंट्री जापान पे अटैक कर देता है तो USA उसको जो है हैंडल करेगा। चाइना भी थोड़ा सा यहाँ पे मैच्योर कंट्री की तरह है, ये उटपटांग हरकतें हैं उतनी नहीं करते हैं, करते तो ज़रूर हैं, लेकिन चाइना से भी कोई ऊपर में है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी
कोरिया, जो कि ऊटपटांग हरकतों को जो है नंबर वन पे ये पहुंच चुका है। तो राइट आंसर आपका फिलहाल सी होगा। आप यहाँ से देख सकते हो, ये देख लीजिए नॉर्थ कोरिया के, ये देख लीजिए आप, ये जो है किम जोंग युंग है, ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो 699 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम है ना आर्मी पब्लिक स्कूल के 4 से 5 नवंबर के लिए, उसके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। पहली बात, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पर लेना चाहते हो तो 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinghचलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच स्टेट 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2022 बिगेंस? किस राज्य में ये होगा? दिल्ली में, गोवा में, सिक्किम में या आसाम में? तो इसका राइट आंसर आप यहां से देख सकते हो, ये रहा है हॉकी इंडिया का लोगो, आपको यहां से दिख रहा होगा। 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल जो है वो गोवा में खेला जाने वाला है। कहाँ खेला जाने वाला है? गोवा में। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग प्लीज़ गोवा का जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम बता दीजिए, सीएम का नाम जरूर बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना है यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर हाल में ही किस स्टेट के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? इनवैलिड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री प्रोवाइड्स, देखिए 173 मिलियन $ की बात हो रही है, यूक्रेन को कौन देने वाला है? चाइना, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए इंडिया तो यहाँ हो नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया के जो टाई हैं वो रसिया के साथ हैं और रसिया वॉर में है और इंडिया कभी भी रसिया के अगेंस्ट जाएगा नहीं फिलहाल के लिए, तो ये तो ऑप्शन आप कट कर दीजिए। और चाइना भी जो है बहुत चालाक है, इतना पैसा तो वो देगा नहीं। किसको नहीं देगा ये तो पता ही है, यूक्रेन को देगा नहीं, क्योंकि चाइना के साथ भी जो है रसिया के टाई हैं और इंडिया से ज़्यादा गहरे टाए हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में से कौन होगा? तो देखिए ये यूएसए ही कर सकता है, एक्चुअली फाइनली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने स्टेप लिया है। एक्चुअली आपको पता होगा क्वाड जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है जापान के अलावा, इंडिया और उसमें अमेरिका भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद जो है की जाती है कि अमेरिका हेल्प करे, लेकिन फाइनली ऑस्ट्रेलिया का आप यहाँ से नाम देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री अर्जेस सऊदी अरेबिया नॉट टू विड्रॉ डिपॉजिट्स गिवेन टू SBP? आपको ये बताना है SBP को जो पैसे दिए गए थे उसे वापस नहीं लेने का आग्रह किस कंट्री ने किया है? टर्की ने, इराक ने, पाकिस्तान ने या कतर ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, देखिए ये यहाँ से आप देख पाओगे पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मान जाओ आप। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आपको बस ये बताना है डैश ऑफ फार्मर्स गिव अप प्लॉट्स ऑफ सेकेंड फेज ऑफ जेवर एयरपोर्ट, यानी कि किन किसानों ने, कितने प्रतिशत किसानों ने, देखिए जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, ये कहाँ बनने वाला है आप लोग बताइए नीचे कमेंट करके, कितने प्रतिशत किसानों ने एग्री कर लिया है गवर्नमेंट के साथ कि ये अपनी लैंड को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे? 33, 48, 55 या 90% ने? तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, ये देख लीजिए आप जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ से आप देख पाओगे, और ऑनर जो है 33% का जो है ये इन्होंने दे दिया है। ये कहाँ बनने वाला है? नोएडा के आसपास बनने वाला है, यानी कि ये यूपी में बनेगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। डियागो मैराडोना की जो हैंड ऑफ गॉड जर्सी है उसे कितने करोड़ रुपये में बेचा गया है? 50, 60, 70 या 80 करोड़ रुपये में? तो यहाँ से आप इसके आंसर देख लीजिए, हैंड ऑफ गॉड, ये जी देख लीजिए यहाँ पे आपको जर्सी भी दिख रहा होगा, और ये कितने में बिका? लगभग 70 करोड़ रुपए में, 70 क्या 71 करोड़ आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो, तो फिलहाल हम लोग 70 करोड़ ही मान लेंगे। सी इज द राइट आंसर। और फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ गई है, प्लीज स्क्रीन शॉट आप इसे ले लीजिए, बहुत काम में आपके ये आने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन है, वट इज़ इंडियाज रैंक अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में अलग से प्रेस के ऊपर बना दूंगा, इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में कौन सी कहाँ पे है उसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग इसका जो है, आप लोगों को अगर चाहिए तो प्लीज़ आप जो है रैंकिंग लिख कर आप जो रैंकिंग आप लिख देना, और अगर 30 से 40 लोगों का अगर आया तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। देखिए इंडिया एंड विच कंट्री गिवन अ पैक्ट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए जर्मनी के साथ हम लोग जो है पैक्ट साइन कर रहे हैं, पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेस आज़ादी से
अंत्योदय तक। तो देखिए ये गिरिराज सिंह हैं, इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं बिहार से। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।